गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम फ्रॉम अनदर डेली व्लॉग। अभी हम लोग हैं अमृतसर में। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने अमृतसर में आते ही बहुत ज्यादा खाने की धूम मचाई और हम लोगों ने सोचा था कि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के दर्शन करेंगे। तो अभी आधे से ज्यादा अमृतसर सो के भी नहीं उठा और हम लोगों ने सोचा बेस्ट वे टू स्टार्ट द डे इस सुबह सुबह उठ के स्नान करा जाए, नहाया जाए। और ये देखो एकदम अभी दिन चढ़ा नहीं है, जा रहे हैं दर्शन करने गुरुद्वारे में। चलो जी चलो लेट्स गो। हम पूरा पैक्ड है, ग्लव्स पहन रखे हैं, स्कूटी में जा रहे हैं। स्कूटी की चाबी कहाँ है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नीचे जाके ढूंढनी पड़ती है स्कूटी की चाबी। जीन्स में तो नहीं है कल वाली? हाँ। मेरे पास है, तुम्हारे पास है? तो फिर वो वाली जीन्स में एक बार देखना। अभी ये करेंगे और फिर उसके बाद दिन भर में बहुत सारी और एक्टिविटीज प्लान है, जैसे जैसे मन करा वैसे वैसे करेंगे। अच्छा हुआ स्कूटी की चाबी मिल गई, वरना आना पड़ता। और इनका रास्ता जो है ना इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि भाई क्या कैसे है इनका। कल तो ये कह रहे थे कि भाई सीढ़ियों से पूरा चल के ऐसे सीढ़ियाँ नहीं कह रहे, कोई रास्ता ही नहीं है। और फिर हम लोगों ने आज क्या करना है, लिफ्ट से बेसमेंट में जाएंगे। लिफ्ट से बेसमेंट में जाके अपना रास्ता ढूंढेंगे। कल भैया ने बोला कि कोई रास्ता ही नहीं है बेसमेंट में। जो तक 11-12 बजे के लिए निकाल के ले रखे आज के OOTD के लिए। OOTD तो अच्छा हुआ मैं SD कार्ड भूल गया था। तो फिर मतलब SD कार्ड में तो बैकअप के लिए लिए हम लोगों ने, फोन तो जरूरी है। बीवियां और उनके बहाने, बीवियां और उनके बहाने। कमाक्षी, व्हाट इज दिस चाबी तुमने लगा रखा है? हाँ हेलमेट चाहिए। हेलमेट इज द बेस्ट थिंग टू हैपन टू mankind सिंस इन्वेंशन ऑफ टायर। क्या सामान ठूसा हुआ है? और कमाक्षी क्या है ये? अगर टॉप सीक्रेट, सबसे पहले जाएंगे होटल के पास है। बैग तो नहीं डाल रहे तब तो? बैग डाल तब तक पता नहीं चला। हाँ, तब तक चल। थोड़ा सा का बैंड बज गया झुक झुक के ना। चल तो सही, चलते तो है। आ जाओ फर्स्ट फ्लोर में। मस्त
हाँ जी, how was the experience? Nice, आंटी ने मुझे रोटी गोल बेलनी सिखाई थी। अच्छा खासा दर्शन कर लिए, लंगर भी खा लिया और सेवा भी करवा ली। Very nice. यार मोटू, I'm not sure about the hotel I'm staying in. मतलब फीलिंग नहीं आ रही। If only I was staying in a sure stay hotel. बढ़िया था ना, बढ़िया था। जानते हुए चलेंगे। Hop in, hop off bus. क्या लगता है दुकान वाला आया होगा? I think he is a lazy दुकान वाला। अगर वो lazy दुकान वाला हुआ, oh yes, yes, yes. चलो जी, फिर तो जाके आके पूछ सकते हैं। अरे वो आधे घंटे तक नहीं आ रहे। मेरे को लग रहा है इस दुकान में कोई है ही नहीं। चेक करना डिक्की में। नहीं 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 नहीं, सबके सामने नहीं, नहीं, नहीं। सबको राज हमारा के सामने चाबी से चेक करते हैं ना। कमर्सी थोड़ा और ट्रस्ट करते हैं लोगों पे। आ जाओ चलो। एक्चुअली क्या है ना, कल हम लोगों ने जो स्कूटी रेंट करी है ना, उसमें एक फॉल्ट है, और फॉल्ट ये है, द पीपल ऑफ अमृतसर कैन बी ट्रस्टेड। कल क्या हुआ, कल हम लोगों ने स्कूटी ली, और उसके बाद जब स्कूटी पार्क कर रहे थे, तब हम लोगों ने फिगर आउट करा कि इसका जो पीछे का लॉक है वो चलता नहीं है। फिर हमने हेलमेट डाला होटल के पार्किंग में कि भरोसा करके देखते हैं कि कोई हेलमेट तो नहीं लेके जाता। आज हमने हेलमेट के साथ और भी सामान डाला भरोसा करके कि देखते हैं कोई लेके तो नहीं जाता। भरोसे पे दुनिया कायम है कामाक्षी, भरोसे पे। फिफ्टी की दे रहे थे वो, मैंने बोला तुमने खानी नहीं है तो मैं ही खाऊं। बस इतनी सी ली? हाँ, दो पीस। अभी कुलचे कुलचे खाने हैं ना, ये तो दिख गए रास्ते में आ रहा था। नहीं 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 नहीं, कुलचा इज वेरी पायस, विल नॉट ईट फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस। सुबह जैसे जुराबे उतार के फर्श पे चढ़ रहे थे ना मत्था टेकने के टाइम पे, उससे 5 गुना ज्यादा फीलिंग है। पैर तो डाल के बैठ जाएंगे यार, नाश्ता नुश्ता करके आ जाएंगे, देखते हैं। उससे 5 गुना ज्यादा, मैं उसमें भी कारपेट ढूंढ के चल रही थी। अभी तो प्रॉपर समर्स हो गई, अब तो काड़े चश्मे लगाने निकाल ही लेते हैं, और स्कूटी में डिक्की में डालने की कोई जरूरत नहीं है, अभी निकाल ही लो। ये डिक्की में डाल देते हैं, ये भी डिक्की में डाल। हाँ, अभी जरूरत नहीं है इनकी। और मैंने शॉल भी ले लिया है, बट हम लोग आई थिंक टाइम से आ ही जाएंगे, कुछ खा खो के 3-4 चीजें। अभी तो इतनी गर्मी लग रही है कि जैकेट भी उतारने का मन कर रहा है, बहुत गर्मी है। स्कूटी पे हवा होगी तो इसलिए बस पहन रखी है। शॉल मैंने रखा है क्योंकि सुबह सुबह एक्चुअली हम लोग 6 बजे गए थे ना, वो यहाँ पे वो होती है ना, कौन सी होती है, बसंत पंचमी पे वो पतंग उड़ती है ना, काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ा रहे हैं लोग। आई बो कट, पता नहीं इधर क्या बोलते हैं। संक्रांत पे उड़ती होगी वो, तभी का अभी आफ्टर इफेक्ट चल रहा होगा। बसंत पंचमी या संक्रांत पे होगा। चलो अभी उड़ती। चलो सानू की, हम तो 15 अगस्त पे उड़ाते हैं दिल्ली वाले। चले, इतना तामझाम लेके घूमने, स्कूटी की डिक्की में आ जाएगा ये। नहीं मुझे मेरा वो वाला ही अच्छा है, सच में ही अच्छा लग रहा है। अरे पापा वाला चश्मा, पापा वाला टाइप भी ऐसे ही है, पापा ने जो शादी में। नहीं बट आई लाइक माय वो वेफर्स। यू गेट योर ब्राउन चश्मा, आई गेट माय ब्लैक वेफर। वेफर नहीं, व्हाटएवर जो भी नाम है इसका। चलो चले, खाना खाते हैं। प्लान है कुलचा खाने का, न्यूट्री कुलचा, अमृतसरी कुलचा, न्यूट्री कुलचा, सतपोड़ा समोसे, और सतपोड़ा गुलाब जामुन, जलेबी रात में, फ्रूट क्रीम भी। 5:30-6 बजे गोल्डन टेम्पल के लिए हम लोग निकले थे, और 10:30 के आसपास होटल आए होंगे। बहुत अच्छे से दर्शन करे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खुला टाइम था हमारे पास, हमने बहुत अच्छे से मज़ा करा। फिर आके थोड़ा थक गए थे,
वो ना एक्चुअली ना सेवा करने में तो अच्छा लगता है बट वो ना इतनी अभी सेहत नहीं है, कमर का ऐसे ओए। अच्छा मैं ना जाने लगा, मतलब मैं काफ़ी टाइम से सेवा कर रहा था तो मैं दाल ना ऐसे मैंने सोचा चलो मैं ऐसे मैं झुक झुक के सबको डालूंगा तो मेरी कमर दर्द होगी तो मैं पतीलों में दाल रिफिल कर रहा था। वो कह रहे इधर की कर रहे हो जाओ। मैंने बोला चलो। थोड़ा खाने आए थे हम लोग कल जो बच गया था और यहाँ पे हमारे डीजी फैमिली के मेंबर ही मिल गए। ठीक है भैया। अच्छा जी ये अभी ऐसे पहन रहा हूँ ना तो ये लेफ्ट लग रहा है, ये राइट लग रहा है और फिर एक बार पहन लिया तो अब ये लेफ्ट लग रहा है वो राइट लग रहा है। आगे से गोल होती है ना इसलिए लगता है। इट्स ऑलवेज एन इल्यूजन, कोई बंदा नहीं होगा ऊपर। मैं भी धूप साइड पे पैर पहले डाल के चेक करूंगा। फर्स्ट हैंड हुआ अब पैर चेक। आई वाज सपोजेडली मेकिंग अ सीक्रेट वीडियो। मैं कैप्चर करना चाहती हूँ जब तुम ठंडी वो करते हुए जा रहे हो। पर हम लोग सिर्फ कॉफी पियेंगे और बैठ के चिल करेंगे। एक्चुअली ये पार्टीशन म्यूजियम जलियांवाला बाग हम सब देख रखा है सब। हम लोगों का पर्पस ही था बस दर्शन करना, खाना खाना, चिल करना। तभी हम लोगों ने सिर्फ टू नाइट्स ही अमृतसर में रखी थी। टिक्की टुक्की बट हमारा वो क्या है, अंदर है, अंदर है। मैं तो बस ऐसे साथ में लाइव म्यूजिक भी चल रहा है पीछे। अच्छा? रिहास चल रहा है। ये कौन सा साइज है? रेगुलर। अच्छा है, रेगुलर तो इज गुड फॉर टू पीपल। अच्छा साइज है। और यहाँ पे विद अ गुड व्यू हम लोग इंजॉय कर रहे हैं हमारी कप ऑफ कॉफी एंड काम कर रहे हैं और साथ में थोड़ा सा स्नैक्स निक इन कर रखे। हाँ जी होगी शॉपिंग तुम्हारी। ये तो कोई तो दुकान थी इससे हमने शॉपिंग कर ली। हमने क्या कामाक्षी ने शॉपिंग करी थोड़े अरे वही तो मैं बोलने लगा था सुवेनिर्स लिए। मैंने कामाक्षी को बोला शॉपिंग कर लो, वो सुबह से लग रही थी देखने कि भाई ये लेना है, देख रही हूँ। फिर कहती जब तक सबके लेने लूंगी तब तक अपने लेने लूंगी। फिर सबके लिए लेने बैठी तो फिर सबसे चॉइसेस वगैरह इतने मैंने अपना लैपटॉप ही खोल लिया, एडिट चालू कर दिया। एडिटिंग ऐसी होती है कहीं पे भी एडिटिंग करनी पड़ती है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, अब अमृतसर को भाई बोलने का टाइम आ गया। ठीक कामाक्षी क्या लगता है पहले कौन अपलोड होगा? कंप्यूटर पे हो रखा है अभी 40 मिनट्स और 40% 52 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है और फोन में है अभी 17% एंड बहुत चेंज हो रहा है, मतलब 30 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में दिखा रहा है। 40 मिनट्स लगा लो, पहले कौन सा होगा? एंड माय बैट इज ऑन फोन। कितने मिनट हो गए दोनों को लगने? ये वाइटल इंफॉर्मेशन मैं आपको नहीं दूंगा। ये क्या बात है, लैपटॉप को लगे हो गया है साइडर ट्रेडिंग कर। 40 मिनट लैपटॉप को लगे हो गए नहीं 40 हाँ 40 एक मिनट लैपटॉप को लगे हो गए हैं कुछ हाँ 35-40 मिनट्स एंड फोन को लगे हुए हैं 20 नहीं फोन को भी आधा घंटा हो गया। ठीक है चलो देखते हैं कौन जीतता है। इन द मीनवाइल सारी दालें दूलें खुल चुकी है जी। ये है दाल जिसमें दाल अभी चम्मच डाल के दिखेगी। वेयर इज द चम्मच, हियर इज द चम्मच। ये द एपिक दाल जिसको बोलते हैं इंडिया की बेस्ट इफ नॉट वन ऑफ द बेस्ट दाल्स। और ये है फिर चना मसाला, फिर पालक पनीर, वो फिर जैसे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से। तो अभी 20% का फर्क रह गया है और समय हमारे पास कम बचा है यार, क्या करें यार, अब ट्रैवल करते हुए ऐसे ही है। देखते हैं कौन जीतता है। माय बेट इज स्टिल ऑन
फोन, योर बट इज ऑन लैपटॉप, कंप्यूटर कंप्यूटर। अरे यार उसके सेकंड शुरू हो गए, इसका 95 चली जा रहा अभी, 99% और इसका 95% यार इसका टाइम बढ़ गया। तो सुबह ही 5G पे 3GB की फाइल डाउनलोड करी थी, तो मुझे लगा था जीत जाएगा, बट नॉनदलेस स्टेबल वाईफाई इज बेटर देन फास्ट स्पीड मोबाइल डेटा, आज का ज्ञान।